हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, हम लोग जा रहे हैं शादी में ग्वालियर और ये हैं हमारी बड़ी भाभी, आपसे हेलो बोल रही हैं। मम्मी आगे पतिदेव जी ड्राइव कर रहे हैं। सो गाइस, है ना, थोड़ा सा वॉल्यूम है ना आ नहीं रहा था तो मैंने वॉइस ओवर कर दिया, बाकी सब लोग हाय बोल रहे थे। आज है ना इलेक्शन का रिजल्ट आया था और यहाँ पे देखिए, हम लोग दतिया से निकल रहे थे ना तो कितनी सारी कार दिख रही होंगी आपको। यहाँ पे BJP ऑफिस है, मेन हाईवे पे ही है, तो यहाँ पे ना बहुत सारी कार दिख रही होंगी। हमें आज ही ग्वालियर शादी में जाना है तो यहाँ वर्णित को देखिए कितनी मस्ती कर रहे हैं। कैसी बात कर रहे यार? सो गाइस, हम लोग पहुंच गए थे रिसोर्ट में जहां से शादी थी और हम लोग पहुंच गए, यहां हो रही है हल्की हल्की बारिश और ना हम लोग थोड़ा सा लेट हो गए हैं। वैसे तो हमें पता था कि हम लेट हो जाएंगे, इसलिए हम लोग हल्दी के कपड़े पहन के नहीं आए, मीन्स येलो कलर नहीं डाल के लाए थे मम्मी और मैं, और बड़ी भाभी पहन के आई थी। हम लोगों को लगा था कि हल्दी का हो जाएगा तो, बट ऐसा था कि प्रोग्राम तो हो गया था बट वहाँ पर ना लंच चल रहा था, बट सब लोग येलो कलर पहने थे तो हमें थोड़ा सा लग रहा था कि हाँ यार येलो डाल के आना चाहिए था, बट ठीक है। आप रिसोर्ट का व्यू देख सकते हैं, बहुत बहुत ही सुंदर रिसोर्ट था और यार वेदर बहुत सही हो रहा था, एकदम मस्त वाला, हल्की हल्की बारिश हो रही थी और है ना ठंडी तो थी बट इस टाइम हम लोगों को ज़्यादा ठंड नहीं लग रही थी। सो आप देख सकते हैं ये था डेकोरेशन और हल्दी का प्रोग्राम हो चुका था, बाकी सब लोगों से हम मिलने आए, बुआ जी वगैरह से, और हम लोग थोड़ा लेट हो गए थे तो यहाँ पर ना आप सब लंच कर रहे हैं तो बस यहाँ पे आप हमारी पूरी फैमिली से मिल मिल लीजिए। मैं आप सभी मेरी भांजी से मिली होंगे, ये है नव्या मेरी दीदी की बेटी, और हम लोग भी चल दिए लंच करने। ओके, फिर से शो सम एक्साइटमेंट यहाँ पे बढ़ने तो, और अथर्व की मस्ती आप देख सकते हैं। यहाँ पे हमारी ये दूल्हे राजा बैठे हुए हैं। हाँ देखो बढ़िया ही, पीछे बस हो गई, हो गई। यहाँ पर हम खाना खा रहे थे और मैंने आपको पहले ही बता दिया प्रोग्राम हो चुका है, मैं आपके साथ वो भी क्लिप शेयर करूंगी। गाइज, मैंने आपके साथ हल्दी का वीडियो शेयर कर दिया है और कितना अच्छा लग रहा है ना। लंच लेने के बाद हम लोग अपने अपने रूम के लिए निकल पड़े। सो हम लोगों ने अपनी कीज़ ले ली थी रूम की, तो यहाँ पे आप व्यू देख सकते हैं कितना सही हो रहा है, एकदम ऐसा लग रहा है ना कि कहीं घूमने आ गए हों, और बहुत अच्छा वेदर हुआ था। वर्णित को देखिए, अपनी दादी के साथ फाइनली हम लोग रूम में आ गए थे और अभी हम सब लोग ना एक ही रूम में बैठ गए हैं बातें साथें कर के लिए, और हमारी जब फैमिली मिल जाती है ना तो भाई साहब इतनी मस्ती होती है ना, बहुत सही लगता है। तो अभी आप देखिए सब लोग कितनी मस्ती कर रहे हैं। छोड़ाना नहीं है।
अब मैं आपको रूम के बाहर का नज़ारा दिखा देती हूँ। यहाँ देखिए जीजा जी बच्चों को खिला रहे हैं और ये बच्चे देखिए कितनी शैतानी कर रहे हैं और इन्हें बहुत अच्छा भी लग रहा है। और बस इसके बाद हम लोग सब यहाँ पे देखो मैं रूम का भी दिखा देती हूँ और ये सब लोग रूम में ऐसे ना हमारी मंडली लगी हुई है और ये मैं हूँ। इवनिंग में अब व्यू देखिए कितना प्यारा लग रहा है। लग ही नहीं रहा था यहाँ पे कि शादी है क्योंकि सब लोग अपने अपने रूमों में थे और मैं बाहर का ऐसे व्यू दिखा देती हूँ। सो गाइस यहाँ पे हम आ गए थे बुआ जी के पास, मीन्स बुआ जी के रूम में सब लोग मिलने के लिए। बुआ जी के बेटे की शादी है यानी कि मेरे देवर की शादी है और यहाँ सब लोग बस बात वगैरह करने लगे हैं। देन इसके बाद हम लोग यहाँ से निकल पड़े, नेहा दीदी वर्णित को लिए हुए हैं। अब हम लोग अपने रूम में जाएंगे और रेडी वगैरह होना है हमें क्योंकि शाम को अभी संगीत है और इंगेजमेंट। सो गाइस मैं रूम में आ गई हूँ, वर्णित को देख सकते हैं आप कितनी शैतानी कर रहा है। मैंने चेंज कर लिया है, अब मैं रेडी होंगी संगीत के लिए। वर्णित हाय, हाय बोलो। मेरा शैतान बच्चा भी हाय नहीं बोलेगा। सो गाइज वी आर रेडी फॉर संगीत फंक्शन। सो गाइज हम सब रेडी हो गए हैं पर यहाँ पे देख पाए देव और जीजा जी वगैरह सब लोगों की मीटिंग लगी हुई है, ये लोग रेडी भी नहीं हुए हैं और हम लोग जाने लगे हैं फंक्शन के लिए। हम सब जाने लगे हैं, ये दीदी आपको हाय बोल रही हैं और वर्णित भी। सो गाइस चलते हैं फंक्शन के लिए और यहाँ देखिए यहाँ पे अभी बारिश हल्की हल्की हो रही है तो फंक्शन है ना बाहर नहीं हो रहा है, हॉल में हो रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और हम लोग चल रहे हैं। यहाँ देखिए बच्चे स्टेज पर पहुँच गए हैं ब्राइड और ग्रूम से भी पहले और वर्णित भी स्टेज पर पहुँच गए हैं और यहाँ देखिए क्या कर रहे हैं ये सारे बच्चे। एंट्री होने लगी थी, मैं प्रॉपर तरीके से शूट नहीं कर पाई हूँ। हम सब फोटो शूट करा रहे थे। यहाँ पर वर्णित और वर्णित के पापा वर्णित के खाना खिला रहे थे, यहाँ खिला रहे थे और यहाँ फोटोज क्लिक करवाने में लग गए थे। तो गाइस इंगेजमेंट के पहले हमारे यहाँ गोदी भरने की एक रिचुअल होता है जो ग्रूम के फैमिली के लोग ब्राइड की भरते हैं तो हम लोग वही भर रहे हैं गोद। यहाँ पे हम खाना खा रहे थे और इसके बाद है ना संगीत का फंक्शन होगा, अभी गोद भराई हो गई थी तो यहाँ हम सब लोग बैठ गए थे पूरी फैमिली के लोग। यहाँ पे फिर से ब्राइड एंड ग्रूम की एंट्री हो गई थी संगीत के लिए और ये दोनों बहुत प्यारे लग रहे थे। Nice.
एंट्री को अच्छे से कैप्चर नहीं कर पाई क्योंकि वर्णित इतनी शैतानी कर रहा था ना कि उसको पकड़ने में लग गई थी। और यहाँ पे हमारे बच्चों को देखिए कितनी शैतानी कर रहे हैं फॉग को देखकर, क्योंकि इन लोगों को अच्छा लग रहा था और ब्राइड एंड ग्रूम आके निकल चुके थे। और आप यहाँ पे बड़े देखो कितना भाग रहे हैं, तो मैं इनको पकड़ के पीछे बैठ गई थी, पीछे से ही डांस परफॉर्मेंस का जो वीडियो बन रहा था वो मैं बना रही थी। गाइस अब टाइम आ गया था ब्राइड एंड ग्रूम के डांस का, तो हम लगा हमारे ब्राइड एंड ग्रूम का डांस परफॉर्मेंस एकदम धमाकेदार ना। सिंगिंग करती हैं तो उनका भी आपको सॉन्ग सुनने को मिलेगा। पूरा परफॉर्मेंस क्लिक नहीं कर पाए प्रॉपर, ये है दीदी जिया जी का डांस।
बाजी डांस कर रहे हैं, वर्णित के नीचे वर्णित डांस कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। हम लोगों का डांस स्टार्ट हो गया था नीचे। सपने में मिलती है पकौड़ी में भी सपने में मिलती है। सारा दिन झूठे में बंद पुड़िया थी। यहाँ पे सबके डांस परफॉर्मेंस ख़त्म होने के बाद सब लोग साथ में डांस करना स्टार्ट कर दिए थे। सारे परफॉर्मेंस का मैं वीडियो नहीं बना पाई, तो जितने मैंने बनाए तो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। Thank you for watching my video. Please like and subscribe to my channel. Thank you. Bye bye.